स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 7.2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, अब हम 7.3 को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। 7.3 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है 7.3 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 और उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन है आपके पास u इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1। v वेक्टर है आपके पास 2 4 1। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये है 2i माइनस 3j प्लस k। सिमिलरली 2i प्लस 4j प्लस k, ये वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और हमें कहा गया है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम। आपने एंगल इनके दरमियान कोसाइन एंगल बताना है। कोसाइन एंगल को आप लोग पहले भी डिस्कस करके आए हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर, इसके अलावा मैथ के अंदर। अब डिस्कस कर लेते हैं हम कि हम कोसाइन एंगल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर दिए गए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी आपने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, ए डॉट बी लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये रिजल्ट आ जाता है कि अगर कोई से दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, किसके इक्वल, ए बी कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास भी ये दो वेक्टर गिवन है, हमने यहाँ से कोसाइन एंगल कैलकुलेट करना है। कोसाइन एंगल कौन सा है हमारे पास, कॉस थीटा, हमने इसको कैलकुलेट करना है। कॉस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट भी लेना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी ले लेनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी लेनी है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं यहाँ पर u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos थीटा। हमने cos थीटा कैलकुलेट करना है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। u और v इस साइड पे आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास। cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी, क्या हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यू वेक्टर का और वी वेक्टर का, डिवाइडेड बाय यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम कोसाइन एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, यू की वैल्यू लिख लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस k डॉट i प्लस प्लस k डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड, u की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, v की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। हम जानते हैं i डॉट i इज इक्वल टू 1 के है, i डॉट i इज इक्वल टू 1 के, i डॉट j 0 के इक्वल, j डॉट k वो भी 0 के इक्वल, सेम यूनिट वेक्टर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास 1 आ जाता है। 2i डॉट 2i मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 4i। टू डॉट टू आई, टू क्रॉस टू फोर, आई डॉट आई 1 के इक्वल हो जाएगा, टू क्रॉस माइनस 3 क्रॉस 4j ये माइनस 12, 1 क्रॉस 1
प्लस वन आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। फोर प्लस वन फाइव, माइनस ट्वेल्व माइनस सेवन डिवाइडेड बाय फोर प्लस नाइन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन ट्वेंटी वन, माइनस सेवन डिवाइडेड बाय फोर्टीन को ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हम यहां से इसको लिख सकते हैं सेवन क्रॉस टू, सेवन क्रॉस थ्री, माइनस सेवन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन, यहां से बाहर निकाल लेंगे सेपरेट कर लेंगे, यहां से भी अंडर रूट सेवन अंडर रूट थ्री, इस तरह हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं माइनस सेवन अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन मल्टीपल हो जाएगा, सेवन आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू क्रॉस थ्री अंडर रूट सिक्स, सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा तो कोसाइन एंगल हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट सिक्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कोसाइन एंगल का। कोसाइन एंगल में हमने करना क्या था, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना था, यू और वी वेक्टर हमारे पास गिवन थे उनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के, हमने कॉस थीटा को कैलकुलेट कैलकुलेट करना था, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया डिवाइड उसकी मैग्नीट्यूड कर दी, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ये आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड का भी रिजल्ट ये आया, इसको हमने सिंपलीफाई किया और कोसाइन एंगल जो है हमने उसको कैलकुलेट करके दिया है। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर टू, फाइंड आउट अल्फा यू एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर गिवन, यू और वी वेक्टर दिए गए हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, कंडीशन दी गई है हमने अल्फा कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, यू वेक्टर है अल्फा आई टू अल्फा जे माइनस के, वी वेक्टर है हमारे पास आई अल्फा जे प्लस थ्री के, ये वेक्टर हमारे पास गिवन है, हमें कहा गया है कि अल्फा फाइंड आउट करके बताएं, यू और वी बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर गिवन है,
तो हमें पता होता है जब भी वेक्टर्स दो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है वो जीरो के इक्वल होता है। कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज ये हम यू वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये वी वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 90 का कंस्ट्रक्ट होगा। हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यू डॉट वी इज इक्वल टू यू वी कॉस थीटा cos 90 डिग्री पुट कर लेते हैं। cos 90 हमें जीरो देता है तो ये सारा मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो u और डॉट v जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हमें जो कंडीशन दी गई थी वो इसी के मुताबिक दी गई थी कि दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हैं, आपने अल्फा कैलकुलेट करके बताना है। इट मीन्स हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे गिवन कंडीशन के मुताबिक। यू डॉट वी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अल्फा आई टू अल्फा जे प्लस माइनस के डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं आई यूनिट वेक्टर अल्फा जे यूनिट वेक्टर थ्री के। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई वन के इक्वल होता है तो अल्फा क्रॉस वन अल्फा आ जाएगा हमारे पास, टू अल्फा क्रॉस अल्फा टू अल्फा स्केयर आ जाएगा, माइनस वन क्रॉस थ्री माइनस थ्री आ जाएगा। ये यू डॉट बी का रिजल्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स बताएं इसकी क्लियरेंस हुई है आपको, जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है और इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखा है। क्विकली रिस्पॉन्स करें, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं रिपीट करूंगा किसी दूसरे मेथड से। अगर ये क्लियर है तो फिर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्विकली रिस्पॉन्स करें, टाइम कम होता है। अच्छा देखें, आई डॉट आई जब भी हम लेते हैं वो वन के इक्वल होता है। अब अल्फा आई है और इधर कुछ नहीं है, इट मीन्स वन होगा। तो अल्फा डॉट वन अल्फा आ जाएगा आपके पास आई डॉट आई वन, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। दोबारा रिपीट किए देते हैं, अल्फा आई डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट आई वन के इक्वल है। अगर इनटू अल्फा लिख लेते हैं हम, ये अल्फा आ जाएगा आपके पास, ये पहला रिजल्ट हमने लिखा। फिर जे डॉट जे वन के इक्वल है तो टू अल्फा है, टू अल्फा जे डॉट अल्फा जे, जे डॉट जे वन के इक्वल होता है तो टू अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा से होगा, टू अल्फा स्केयर इंटू वन, रिजल्ट क्या आ जाएगा, टू अल्फा स्केयर आ जाएगा। क्लियर है अभी ये स्टूडेंट्स? नेक्स्ट माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री आ जाएगा। क्लियरेंस हो गई है स्टूडेंट्स? अब हमें जो कंडीशन दी गई थी यू डॉट वी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमने कहा था यू डॉट वी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हम इधर पुट कर देते हैं जीरो अल्फा टू अल्फा स्केयर माइनस थ्री, रीअरेंज कर लेते हैं, टू अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करें सिक्स आना चाहिए, माइनस का सिक्स, पेयर्स बना लेते हैं टू अल्फा स्केयर माइनस थ्री अल्फा प्लस टू अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, टू अल्फा स्केयर माइनस थ्री अल्फा प्लस टू अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस पेयर में से हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा, टू अल्फा माइनस थ्री प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, टू अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, टू अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, आर अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टू अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू
थ्री अल्फा इज इक्वल टू थ्री बाय टू, अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, अल्फा का रिजल्ट आ गया माइनस वन थ्री बाय टू, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, देखें हमें जो गिवन कंडीशन होगी हमें उसको डिस्कस करना होगा। गिवन कंडीशन ये थी कि यू और वी वेक्टर गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होंगे, हमने कैलकुलेट किया कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकेंगे, हमें कहा गया था अल्फा कैलकुलेट करने का, हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रख लेते हैं, जीरो के इक्वल रख लेते हैं, यहाँ से फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करके हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट, एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन? थैंक यू। टेस्ट शेड्यूल आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किया गया, ये ग्रुप के अंदर टेस्ट शेड्यूल जो है ना वो अपलोड कर दिया गया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर फाइव को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इफ अ वी इज अ वेक्टर फॉर विच वी डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, वी डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, वी डॉट के इज इक्वल टू जीरो, फाइंड वी। इफ वी इज अ वेक्टर फॉर विच वी डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, वी डॉट J is equal to zero, V dot K is equal to zero. Find out V. Question given है हमारे पास V vector है आपके पास, जो कि उसका पता नहीं है किस तरह का है, अगर उसका dot product लिया जाता है I के साथ, J के साथ और K के साथ, इन तीनों के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, हमने वी वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है कि वी वेक्टर होगा क्या। सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हम, आप जानते हैं कंसीडर या लेट इन दोनों की मीनिंग सेम होते हैं। कंसीडर वेक्टर वी, हम वेक्टर वी कंसीडर करते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जी के। अब हम यहाँ से एक्स वाई और जी फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई जी फाइंड आउट करके हम वी वेक्टर को बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक वी डॉट आई जो है वो जीरो के इक्वल है, हमने जो अज्यूम किया हुआ है वी वेक्टर एक्स आई वाई जे जी के
इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं किसके साथ, आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ, वी डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट आई, एक्स को मल्टीप्लाई करें आई के साथ, आई डॉट आई वन आ जाएगा, आई डॉट जे डॉट आई ज़ीरो हो जाएगा, जी डॉट के वो आई के साथ मल्टीपल होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई हमारे पास। सिमिलरली हम वी डॉट जे फाइंड आउट करते हैं, वी डॉट जे, वी की वैल्यू लिख लेते हैं, वी डॉट जे ज़ीरो है हमारे पास, एक्स आई वाई जे जी के डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, आई डॉट जे ज़ीरो, जे डॉट जे वन आ जाएगा, वाई मल्टीपल हो जाएगा, जी डॉट ये भी ज़ीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ज़ीरो आ गई। सिमिलरली हम वी डॉट के निकालेंगे, वो भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल गिवन कंडीशन के अंदर था, एक्स आई वाई जे जी के डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, के साथ, एक्स आई आई डॉट जो होगा वो के साथ ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जी, तो जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ज़ीरो आ गई। यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू ज़ीरो थी, y की वैल्यू ज़ीरो थी और z की वैल्यू भी ज़ीरो गिवन थी। ये नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, x हमने जो कैलकुलेट करके बताया है वो ज़ीरो कैलकुलेट किया, y भी ज़ीरो कैलकुलेट किया और z भी ज़ीरो कैलकुलेट किया हमने, तो v वेक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो i ज़ीरो j ज़ीरो k, इट मीन्स जो वेक्टर आ गया हमारे पास वो ज़ीरो आई आ गया, ज़ीरो जे ज़ीरो के, नल वेक्टर जो होगा हमारे पास वी वेक्टर जो होगा वो नल वेक्टर होगा, जिसका अगर डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लिया जाए, जे के साथ लिया जाए या के साथ लिया जाए, उसका रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास, ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं हम, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, वेक्टर है हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास और उसका हाइपोटेनियस अगर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं तो मिड पॉइंट जो है राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं।
ये हमारे पास ओरिजिन है, इसके पॉइंट 0 0 हैं, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो ए वो 0 का है, और ये डिस्टेंस जो है 0 हम एंगल का नाम देते हैं, इसे भी ट्राई एंगल बनाई है जिसको नाम दे दिया है ओ ए बी का। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ले लेते हैं जो हमें कहा गया है, मिड पॉइंट ये हम कह देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम का। एक मिनट थोड़ी सी फिगर जो है हमारे पास रॉन्ग कंस्ट्रक्ट हो गई है, ये हाइपोटेनियस है हमारे पास, और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया ए। ए के कोऑर्डिनेट ए वो 0 है, बी के कोऑर्डिनेट बी वो 0 है। हमने हाइपोटेनियस लिया है, हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस कौन सा है, ए बी है, उसका मिड पॉइंट एम ले लिया है। हमने प्रूव ये करना है डिस्टेंस ऑफ ओ एम, डिस्टेंट ऑफ बी एम, डिस्टेंट ऑफ ए एम आर इक्वल। ए एम का डिस्टेंस बी एम का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल्स गिवन, इक्वल है, ये हमने प्रूव करके देना है। सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं, ओ ए बी इज अ राइट ट्राइंगल एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, सो एम मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं एम का। एम कौन मिड पॉइंट क्या देगा हमारे पास, ये पॉइंट होगा हमारे पास 0 बी, क्योंकि ये वाई एक्सेस के ऊपर मौजूद है, एक्स एक्सेस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए प्लस 0/2, बी 0+b/2, एम के पॉइंट आ गए हमारे पास ए बाय 2, बी बाय 2, ये एम के मिड पॉइंट हमने निकाल लिए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा कि हमने डिस्टेंस शो करना है ए और एम का, बी और एम का इक्वल। नो we have to prove that distance AM ka is equal to distance of BM ka or distance of OM ka। वर्टिसेस हमारे पास ओ है, ए है और बी है, ये वर्टिसेस है हमारे पास। वर्टिसेस का डिस्टेंस हमने ए एम ले लेना है, वर्टिसेस का डिस्टेंस मिड पॉइंट से बी एम ले लेना है ओ एम, ये हमने इक्वल प्रूफ करके देने हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से हम ए एम कैलकुलेट करेंगे, बी एम कैलकुलेट करेंगे और ओ एम कैलकुलेट करेंगे। ए एम का डिस्टेंस ले लेते हैं हम, ए के जो वर्टिसेस हमारे पास क्या थे, ए वो 0 है। हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, अगर हमारे पास एक्स वन वाई वन पॉइंट दिए गए हो, एक्स टू वाई टू पॉइंट दिए गए हो, तो इनका डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरह बना सकते थे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर, ये डिस्टेंस फार्मूले से हम डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वन हमारे पास ए के पॉइंट जो है ए वो 0 है, एम के पॉइंट जो हमने निकाले हैं वो है हमारे पास ए बाय टू बी बाय टू। ए एम का डिस्टेंस निकालते हैं हम,
एक्स टू की वैल्यू जो है हमारे पास वो है ए बाय टू, ए माइनस ए बाय टू होल का स्क्वायर प्लस बी बाय टू माइनस जीरो। माइनस करेंगे ए बाय टू टाइम चार्ट है हमारे पास, बी बाय टू होल का स्क्वायर ए स्केयर बाय फोर बी स्केयर बाय फोर अंडर रूट, अंडर रूट से निकाल लेंगे बार फोर वन बाय टू आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट आ जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाय टू। सिमिलरली आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे किस चीज का, बी एम का और ओ एम का, इन तीनों का डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ले और उनका डिस्टेंस लें किससे, वर्टिसेस से, तो उनका तमाम का डिस्टेंस आपस में इक्वल आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आऊंगा, अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो दोबारा डिस्कस करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फाइव का जो होगा आपके पास टेस्ट होगा कल, चैप्टर फाइव का हमने टेस्ट बनाया है, उसमें एक्सरसाइज 5.3 जो है वो इंक्लूड नहीं की गई, बाकी तमाम एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड की गई हैं, जो कुछ पढ़ाया था उसी में से ही होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। 5.3 जो है उसको हमने अभी छोड़ दिया, 5.1 और 5.2 का हमने उसको शामिल किया हुआ है, और उसका टेस्ट जो होगा कल आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप की सहूलत में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, जिस तरह आपको पॉसिबल हो आप उस तरीके से टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन बच्चे आप लोगों ने टेस्ट लाजमी देना है इसको अच्छे तरीके से, और इसको ऑफिस तक भी पहुंचाना है, फिर मैं इसको चेक करके आपको रिटर्न करके दूंगा। एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं होंगी, चैप्टर फाइव हो गया था, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे, सी यू।